हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस से एमसीक्यू, जो एक प्ले है, लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। सो आज हम इसी से रिलेटेड अपने एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट रीज़न डज एंटोनियो गिव फॉर बीइंग सैड इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले। प्ले की शुरुआत में जो एंटोनियो है वो क्यों दुखी होता है, इसका क्या रीज़न वो देता है। ए ही वो सैड, बी ही ओज अ फैंटास्टिक सम ऑफ मनी टू शाइलॉक, सी ही गिव्स नो रीज़न, एंड डी द वुमन ही लव्स लेफ्ट हिम। सो राइट आंसर इज सी, ही गिव्स नो रीज़न। वो कोई कारण ही नहीं बताता, वो चुप रहता है। नेक्स्ट इज, फ्रॉम वट कैरेक्टर फ्लो डज बेजिनो बिलीव ग्रेटिनो सफ़र। बेसिनो के अकॉर्डिंग ग्रेटिनो में किस चीज़ की कमी थी। ए मीन स्पिरिटेडनेस, बी अ लैक ऑफ डेप्थ, सी स्टिंगिसनेस, एंड डी वैनिटी। सो राइट आंसर इज बी, अ लैक ऑफ डेप्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज शाइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बेसिनो एंड एंटोनियो। जो शाइलॉक है वो क्या क्यों अपनी डिमांड देता है कि मुझे बेसिनो क्या करता है, उससे एक उधार लेता है, उसके बदले में वो क्या कहता है कि मुझे एंटोनियो को क्या चाहिए, मांस चाहिए, पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए। तो ऐसा वो क्यों कहता है। ए एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिवेंज, बी एज इज वे ऑफ बींग चैरिटेबल, सी एज अ हार्मलेस प्रैंक, एंड डी एज अ वे ऑफ प्रोक्योरिंग फूड। सो राइट आंसर इज सी, एज अ हार्मलेस स्प्रिंग। नेक्स्ट इज, वाई डज द प्रिंस ऑफ मोरक्को फियर दैट पोर्टिया विल डिसलाइक हिम। उसे ऐसा क्यों लगता है कि पोर्टिया उसे क्या करेगी, नापसंद कर देगी। ए ही इज़ अ ब्रेगर्ट, बी ही हैज़ अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, सी ही रिसेंटली प्रूव्ड अ कावर्ड इन बैटल, एंड डी हीज क्लोथ्स आर फ्लैम्बॉयंट। सो राइट आंसर इज बी, ही हैज़ डार्क कॉम्प्लेक्शन। मतलब उसका रंग काला था, इस वजह से लगता था कि शायद पोर्टिया क्या करे, उसे नापसंद कर दे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होम डज बसेनियो एग्री टू ब्रिंग विद हिम टू बेलमोंट। बसेनियो अपने साथ किसे बेलमोंट ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। ए ओल्ड गोबो, बी ग्रेटियनो, सी एंटोनियो, एंड डी जेसिका। सो राइट आंसर इज बी, ग्रेटियनो। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू लोरेंजोज प्लान हाउ विल जेसिका एस्केप फ्रॉम हर फादर हाउस। लोरेंजो ने क्या प्लान बनाया था ताकि वो जेसिका को कहाँ से भगा के ले जा सके, उसके पिता के घर से। जेसिका कौन थी, शाइलॉक की बेटी थी, जिससे वैसे इन्होंने क्या लिया था, उधार लिया था। सो ए शी विल डिस्कर्स हर सेल्फ एज लोरेंजोज टॉर्च बियरर एंड स्लिप आउट अनडिटेक्टेड, बी शी विल लीव ड्यूरिंग द नाइट वाइल शाइलॉक इज अस्लीप, सी शी विल टेक हर फादर टू अ लार्ज पब्लिक ऑक्शन एंड गेट लॉस्ट इन द क्राउड, डी शी विल फेक हर ओन डेथ। सो राइट आंसर इज ए, शी विल डिस्गज हर सेल्फ एज अ लोरेंजो टॉर्च बियरर एंड स्लिप आउट अनडिटेक्टिव। वो लोरेंजो की टॉर्च बियरर बन जाएगी और फिर क्या होगा, चुपके से निकल जाएगी और कोई भी उसको पहचान नहीं पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज शाइलॉक रिएक्ट टू लूजिंग लेंसिलोट एज अ सर्वेंट। वेल, जो लेंसिलोट था वो कौन था, शाइलॉक का सर्वेंट था, और बाद में वो किसे एज अ मास्टर चुन लेता है, बसियानो को। तो शाइलॉक कैसे रिएक्ट करता है जब उसे पता लगता है कि लेंसिलोट जो है उसके यहाँ पर अपना काम छोड़ रहा है। सो हे ई वीप्स इन प्राइवेट, बी ही टेल्स लेंसिलोट डेट बसाइनो विल बी अ हार्डर मास्टर, सी ही बीट लेंसिलोट विद अ स्टिक, एंड डी ही रिफ्यूज टू पे लेंसिलोट द वेजेज ही ओन्स हिम। सो राइट आंसर इज बी, ही टेल लेंसिलोट डेट बसेनो विल बी अ हार्डर मास्टर, कि वो एक बहुत ज़्यादा रूड मास्टर होगा जो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज पोर्टिया रिएक्ट टू द प्रिंस ऑफ मोरक्को फेलियर एज अ स्यूटर। जब जो प्रिंस ऑफ मोरक्को हैं वो आते हैं वहाँ पर और वो से क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसके पिता ने एक वसीयत डाली थी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थ्री कैस्केट में से जो राइट है उसको चूज़ करना होगा, जो गोल्ड सिल्वर और लेड की होती है, तो उसमें से जो सही चूज़ करता है वही क्या होगा, इसके लिए सुटेबल सूटर माना जाएगा। लेकिन प्रिंस ऑफ मोरक्को उसमें फेल हो जाते हैं। सो हाउ डज पोर्टिया रिएक्ट, पोर्टिया कैसे रिएक्ट करती है। ए शी प्रेज डेट नो वन विद सच डार्क स्किन एवर विंस हर हैंड, बी शी इज रिलीव्ड बिकॉज अ क्विक टेम्पर्ड प्रिंस वुड नॉट हैव मेड अ स्टेबल हजबेंड, सी शी इज सैड टू लूज सच अ वेल्दी सूटर, एंड डी शी लाव्स एट इज फुलिशनर एंड सेंड हिम अवे। सो राइट आंसर इज ए, शी प्रेज डेट नो वन विद सच डार्क स्किन विन एवर विन हिज हैंड, कि कोई भी इतनी डार्क स्किन वाला कभी मेरा हाथ ना जीत पाए, मतलब मेरी शादी ना हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लूज द अपॉर्चुनिटी टू मैरी पोर्टिया बाई चूजिंग द सिल्वर कैस्केट। वह कौन सा एक राजा था जिसने सिल्वर कैस्केट को चुना और फिर उसे शादी करने का मौका खो दिया। ए द ड्यू ऑफ माल्टा, बी द प्रिंस ऑफ एरागन,
सी द ड्यूक ऑफ अर्ल एंड डी द विस्काउंट ऑफ नॉर्मेंडी. सो राइट आंसर इज बी द प्रिंस ऑफ एरागन. देखिए जो भी एक शर्त रखी गई थी कि लेड गोल्ड और सिल्वर में से आपको एक कैस्केट चूज़ करनी है और उन तीनों में से किसी एक में क्या है पोर्शिया की क्या है फोटो है और जो सही कैस्केट चुनेगा वही क्या करेगा पोर्शिया से शादी करेगा. लेकिन अगर वो हार जाते थे तो इसके बदले में शर्त के अकॉर्डिंग उन्हें जिंदगी भर कुंवारा ही रहना पड़ता था. तो दूसरी बार कौन हार गया द प्रिंस ऑफ एरागन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ट्यूबल्स रिपोर्ट फॉर व्हाट डिड जेसिका ट्रेड शैलोक मोस्ट प्रीसियस रिंग. शैलोक की सबसे प्रीसियस रिंग के बदले में उसने क्या ट्रेड किया. ए अ गोंजोला बी अ हॉर्स फॉर बसाइनो सी अ क्रिशनिंग गाउन फॉर हर फर्स्ट चाइल्ड एंड डी अ मंकी. तो राइट आंसर इज डी अ मंकी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज पोर्शिया इंस्ट्रक्ट हर सर्वेंट बल्सार टू हरी. पोर्शिया अपने सर्वेंट बल्सार को कहते हैं कि तुम जल्दी करो तो कहाँ पर वैसे कहती है. ए टू एन एपथकरी बी टू पेडुआ टू विजिट डॉक्टर बेलेरियो सी टू मोरक्को एंड डी टू शैलोक हाउस. राइट आंसर इज बी टू पेडुआ टू विजिट डॉक्टर बेलेरियो. वहाँ जाने के लिए उसे कहते हैं जल्दी करो. नेक्स्ट इज हु एंटर द कोर्ट डिस्कस एज अ यंग डॉक्टर ऑफ लॉ नेम्ड बल्सार. कौन एक यंग डॉक्टर बनकर लॉ का यंग डॉक्टर बनकर आता है जिसका नाम होता है बल्सार. कौन भेज बदल कर वहाँ पर आता है. सो ए पोर्शिया बी नरिसा सी जेसिका एंड डी लोरेंजो. सो राइट आंसर इज ए पोर्शिया. तो यहाँ पर जो पोर्शिया है वो भेज बदल कर आती है बल्सार के नाम से. हमें याद रखना होता है विलियम शेक्सपियर में कि जो औरतें हैं वो भेज बदल बदल के आती हैं और किस नाम से आती है. तो और ये हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था इस प्ले का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट लूप हॉल इन शैलोक्स बॉन्ड अलाउ पोर्शिया टू स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग अ पाउंड ऑफ एंटोनियो फ्लैश. देखिए वो एंटोनियो पर चिड़ा हुआ होता है, उसे लगता है कि एंटोनियो की वजह से मेरी बेटी भागी है. तो जो शैलोक की वो शैलोक को मतलब किस तरह जो है ये जो पोर्शिया है बल्सार के तौर पर बनकर आती है, उसका वकील बन के आती है और कैसे वो जो है उसको रोकती है ताकि वो एंटोनियो को फ्लैश ना ले सके. अगर सो क्या बोलते हैं ए जूस लो प्रोविट्स शैलोक फ्रॉम प्रैक्टिसिंग हिज ट्रेड ऑन द सबात. बी शैलोक इज एंटाइटल्ड ओनली टू फ्लैश बट नॉट ब्लड. सी शैलोक फॉरगेट टू साइन द बॉन्ड एंड डी देयर इज नो हार्ड एविडेंस डेट एंटोनियो शिप हैव संक एंड दैट ही कैन नॉट पे द बॉन्ड. सो राइट आंसर इज बी शैलोक इज एंटाइटल्ड ओनली टू फ्लैश बट नॉट ब्लड. तो वो ये कहती है कि कोर्ट में कि ठीक है कि वो क्या कर सकता है एंटोनियो का फ्लैश तो ले सकता है लेकिन शर्त ये है कि वो उसकी खून की एक भी बूंद ना निकले. और ये पॉसिबल ही नहीं था कि अगर वो उसका हाथ या पैर कुछ काटता और खून ना निकले. तो जब वो ये शर्त रख देती है ये एक लूप होल जो है वो निकालती है कि अगर खून निकला तो उसे क्या करना होगा, पूरी एस्टेट किसे देनी होगी, बेसिनों को अपनी बेटी को देनी होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज शैलोक पनिश फॉर सीकिंग टू टेक एंटोनियोज लाइफ. क्योंकि वह एंटोनियो की लाइफ मतलब से मारना चाहता था इस, तो शैलोक को क्या पनिशमेंट मिली. ए ही इज बैनिश्ड बी ही इज ऑर्डर टू सरेंडर ऑल हिज प्रॉपर्टी टू द चर्च ऑफ रोम सी ही मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड विल हिज पोजेशन टू जेसिका एंड लोरेंजो अपॉन हिज डेथ एंड डी ही मस्ट वर्क एज एंटोनियो सर्वेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ. सो राइट आंसर इज सी ही मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड विल हिज पोजेशन टू जेसिका एंड लोरेंजो अपॉन हिज डेथ. वो एक जीव था तो उसे कहा जाता है कि तुम क्रिश्चियन बनो और तो अपनी सारी जायदाद जेसिका और लोरेंजो के नाम कर दो. क्योंकि वो लोरेंजो के साथ भाग चुकी होती है तो वो कहता है कि तुम अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दो और किस में बदल जाओ, क्रिश्चियन में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर्ड डज शैलोक अटर आफ्टर एक्सेप्टिंग द कोर्ट सेंटेंस. जब उसे कोर्ट में क्या सजा मिल जाती है तो उसके मुँह से क्या शब्द निकलते हैं. ए अ फॉक्स अपॉन वेनिस बी दीज आर मोस्ट अनफुल लॉज सी फॉरगिव मी माई सिंस एंड डी आई एम नॉट वेल. सो राइट आंसर इज डी आई एम नॉट वेल, कि मैं ठीक नहीं हूँ. नेक्स्ट इज व्हाट डज बसाइनो ऑफर द यंग लो क्लर्क हु सेव्स एंटोनियो. वेल एक यंग लो था, क्लर्क था जिसने एंटोनियो को बचाया था, तो बसाइनो उसे क्या ऑफर करता है. और ये यंग लो क्लर्क कौन था. वेल ये थी पोर्शिया थी जिसने किसका भेद बदला हुआ था, बल्थासार का. सो ए हिज ग्लव बी हिज वाइफ सी द रिंग डेट पोर्शिया गेव हिम एंड डी द 3000 डकेट्स ओरिजिनली ड्यू टू शैलोक. सो राइट आंसर इज डी द 3000 डकेट ओरिजिनल ड्यू टू शैलोक. जो शैलोक के ऊपर शैलोक से उसने उधार लिया हुआ था वो पैसे किसे ऑफर कर देता है, वो उस क्लर्क को ऑफर कर देता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज पोर्शिया वॉन्ट टू डू व्हेन शी लर्न डेट बसाइनो नो लॉन्गर हैज द रिंग शी गेव हिम. जब पोर्शिया को पता लगता है कि उसका जो पति है बसाइनो उसके पास अब वो रिंग नहीं है जो उसने उसे दी थी, तो वो क्या
कसम खाते कि क्या करेगी. ए नेवर अगेन स्पीक टू हर हस्बैंड. बी डिनाई हर हस्बैंड चिल्ड्रन. सी लीव हर हस्बैंड. डी मेक हर हस्बैंड अ कुकॉल्ड. सो राइट आंसर इज डी मेक हर हस्बैंड अ कुकॉल्ड. मतलब जिसका किसी और के साथ क्या होता है अफेयर होता है उसे बोलता है कुकॉल्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस प्ले कंटेन शेक्सपियर फर्स्ट ग्रेट डैश हीरो. ए अफ्रीकन. बी फीमेल. सी जूश. एंड डी इमिग्रेंट. सो राइट आंसर इज बी फीमेल. तो इस ये सबसे पहला प्ले था शेक्सपियर जिसका जिसकी हीरोइन कौन थी फीमेल. एक हीरो को तौर पर कैसे दिखाया गया एक फीमेल को दिखाया गया. सो पोर्शिया क्या थी इसमें मेन हीरोइन थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज बेसानियो नीड अ लोन. उसे लोन की जरूरत क्यों पड़ती है जो वो जाके शाइलॉक से लेता है. ए टू कोर्ट एंड हायरस. बी टू बाय अ हाउस. सी टू परचेज अ शिप. एंड डी टू गो टू यूनिवर्सिटी. सो राइट आंसर इज ए टू कोर्ट एंड हायरस. क्योंकि जो पोर्शिया से शादी करनी होती इस वजह से उसे क्या किसकी जरूरत पड़ जाती है लोन की जरूरत पड़ जाती है. नेक्स्ट इज हाउ मच मनी डज शाइलॉक ऑफर टू लैंड बेसानियो. कितनी मनी वो से ऑफर करता है बेसानियो को कि उधार देने के लिए. ए 8,000 ducats. बी नथिंग. सी 3,000 ducats. एंड डी 300 ducats. सो राइट आंसर इज सी 3,000 ducats. नेक्स्ट इज हु डज शाइलॉक डॉटर जेसिका प्लान टू लव विद. जो शाइलॉक की डॉटर थी जेसिका वो किसके साथ भागने का प्लान बनाती है. ए एंटोनियो. बी बेसानियो. एंड सी पोर्शिया. एंड डी लोरेंजो. सो राइट आंसर इज डी लोरेंजो. और लोरेंजो से प्यार करती है और उसी के साथ भागने क्या बनाती है प्लान बनाते हैं क्योंकि लोरेंजो क्या होता है क्रिश्चियन होता है और जो शाइलॉक था वो क्या था एक जीव था तो इस वजह से उसे रिश्ता क्या नहीं होता मंजूर नहीं होता. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू मैरी पोर्शिया सूटर मस्ट चूज वन ऑफ थ्री कैस्केट. व्हाट इज द करेक्ट कैस्केट मेड ऑफ. देखिए उन्हें तीन कैस्केट चुननी होती थी गोल्ड सिल्वर एंड लेड. सो सही कैस्केट कौन सी थी जिसमें वो कौन थी मतलब जो उसे चूज करता वही पोर्शिया से शादी करता था. सो ए बोन. बी लेड. सी गोल्ड. एंड डी सिल्वर. सो राइट आंसर इज बी लेड. लेड सिल्वर वॉज द राइट वन. नेक्स्ट इज व्हाट डज पोर्शिया गिव बेसानियो एज अ टोकन ऑफ हर लव. अपने प्यार के तौर पर वो बेसानियो को क्या देती क्योंकि बेसानियो होता है जो करेक्ट कैस्केट को चूज करता है. सो पोर्शिया उसे क्या देती है. ए द लेड कैस्केट. बी अ लोन. सी अ रिंग. एंड डी अ लो बुक. सो राइट आंसर इज सी अ रिंग. उसे एक अंगूठी देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज बेसानियो सीक टू मैरी पोर्शिया इन द फर्स्ट प्लेस. सबसे पहले वो पोर्शिया से शादी क्यों करना चाहता था. ए ही लव्स हर. बी ही नीड्स हर मनी. सी ही नीड्स अ वाइफ. एंड डी टू रिजॉल्व पॉलिटिकल स्ट्राइक. सो राइट आंसर इज बी ही नीड्स हर मनी. उसके पैसों के चक्कर में उसे शादी करने वाला होता है लेकिन बाद में वो उसे प्यार करने लग जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल द स्टेट सीज इफ शाइलॉक स्पिल अ ड्रॉप ऑफ ब्लड बाय एक्सट्रैक्टिंग द पाउंड ऑफ फ्लैश. जैसा कि शर्त के तौर पर शाइलॉक क्या मांगता है अ पाउंड ऑफ फ्लैश मांगता है लेकिन जो उसकी लॉयर होती है बल्सार पोर्शिया जो भेस बदल कर आती है वो क्या शर्त रखते हैं कि अगर तुमने एक भी बूंद खून की बहाई तो उसके बदले तुम्हें क्या सजा मिलेगी. ए हिज एंटायर स्टेट. बी हिज नाइफ. सी हिज डॉटर. डी हिज वैनिटी एंड सिटीजनशिप. सो राइट आंसर इज ए हिज एंटायर स्टेट. कि तुम्हें अपनी पूरी एस्टेट को किसे देना होगा जेसिका और लोरेंजो को देना होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फेवरेट इवेंट हैपन टू एंटोनियो एट द एंड ऑफ द प्ले. प्ले के एंड में एंटोनियो के साथ क्या होता है जिस वजह से वो प्ले की शुरुआत में दुखी होता है. ए शाइलॉक डाइज. बी ही मैरिज पोर्शिया. सी ही शिप्स कम इन. बी ही बिकम्स अ ड्यूक. सो राइट आंसर इज सी ही शिप्स कम इन. उसकी शिप क्या हो जाती है वापस आ जाती है. उसकी शिप खो जाती है तूफान में सो वो वापस आ जाती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज क्रॉस ड्रेसिंग अलाउ पोर्शिया टू डू. क्रॉस ड्रेसिंग का मीन्स होता है फीमेल का मेल में बदल जाना या मेल का फीमेल की तरह कपड़े पहनना. सो ए प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ. बी सीड्यूस बेसानियो. सी ट्रिक हर फ्रेंड. एंड डी एज्यूम पावर एंड पोजीशन. सो राइट आंसर इज डी एज्यूम पावर एंड पोजीशन. इसी वजह से क्या करती है वो भेस बदलती है. सो दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.